तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7 और हमारी जो हॉर्न जो टोटल चल चुकी है 332 किलोमीटर, जो अगर आपको दिख रहा तो हॉर्न की सबसे बेस्ट खासियत मुझे लगती है कि आपको टाइम भी बताते जाते साथ साथ। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सहस्त्रधारा से, गूगल पे देखा था कि और भी क्या जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। अभी हम जो जा रहे हैं फाइनली यहाँ से 40 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं यहाँ से जॉर्ज हाउस एवरेस्ट बेस कैंप ऐसे कुछ नाम था, वहीं जा रहे जहाँ से भाई पूरे एकदम बादल वादल से देखेंगे। अगर मौसम सही रहा तो भाई हम उस जगह के नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं, अगर नहीं रहा तो तुम्हें तो पता ही है अभी क्या है, बारिश का सीज़न चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। बादलों ने पूरे इस एरिया को घेर रखा है, सिर्फ धुंध के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा देखो। और इसके नीचे से अगर जाओगे तो बूंदा बूंदी हो रही होगी। जो भटक के अपने रास्ता भटक के हमारे पास आ गए और इस तो यहाँ देखो भाई पूरा पूरा ये कवर हो चुका है यहाँ, और ये चारों तरफ धुंध धुंध सा जमा हुआ है, मतलब ये बादल है सफ़ेद बादल जो इस साइड आ रखा है। और नीचे खाई दिखाऊँ मैं तुम्हें, तो भाई सब नीचे खाई देखो, और ये पूरा बादल लोगों ने घेर रखा है यहाँ का। ये नज़ारा है देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे हैं, मतलब ये कोहरा नहीं कह सकते, ये बादल है बेसिकली कि मुझे आते आगे कुछ साफ दिख नहीं रहा है। देखो पूरे रोड में अगर आप लोग को भी शायद कैमरे में शायद थोड़ा साफ दिख रहा है पर आंखों को नहीं दिख रहा यहाँ से वहाँ तक, इसीलिए बाइक मैंने धीरे कर दी। और भाई पूरे इन्होंने जो बादल है कवर कर रखा है और थोड़ी थोड़ी बूंदे बूंदे हो रही है, बस ये ज़्यादा तेज बरसे ना तो अच्छा रहेगा हमारे लिए है ना, क्योंकि वैसे ठंड ठंड यहाँ पे बढ़ चुकी है और रास्तों पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, बाकी सब बस सही रहे। बस अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं काफ़ी देर के बाद और ठंड यहाँ पे लग रही है, वैसे मौसम इस टाइप का ही है। तो अब यहाँ से ट्रैक करते करते इस रास्ते पे 1 किलोमीटर तक जाना है ऊपर की ट्रैकिंग है। जो व्यू दिखा था मतलब फ़ोटो वोटो से गूगल पे वो व्यू रहा तो भाई मज़ा आ जाएगा, पर मुझे लगता है नहीं वो व्यू मिलने वाला क्योंकि ये जो है ना बादल यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा बादलों का और पूरा छाया हुआ है पूरी घाटी में। तो देखते आगे क्या होता है। लो वहाँ से बस यहाँ तक आया सांस फूल के और यहाँ का नज़ारा अच्छा है यार, देखो यहाँ पे पूरा
ये ग्रीनरी सी हो रही है नीचे इस साइड, खाली खाली सा है तो। और बादल देखो कैसे भाग रहे हैं ऑटोमेटिक ही। तो गैस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये देख लो ये सर जॉर्ज हाउस है और ये पूरा खाली मैदान जो अगर आप गूगल वूगल पे देखते होगे तो ये है। पर यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके साथ आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, मेहनत बेकार हो गई। बस इसी चीज़ का डर था कि अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। अरे चारों तरफ फॉग 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 नहीं, ये एक्चुअली बादल है। हमारे काम में बादल डालने के लिए आगे पता नहीं कहाँ का क्या है, ऊपर भी है वहाँ कुछ, अभी तो दिख नहीं रहा। चलो चलते हैं उधर साइड, और अभी बढ़ता ही जा रहा है। इधर देखो ध्यान से देखो तो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। कोई अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ जाके, देखो जिसकी मैं बात कर रहा था ये मेरा पैड और ये नीचे खाई। और ये इस साइड मतलब अगर होता तो नीचे यहाँ बादल होते और यहाँ से पूरा हम बादल के ऊपर और व्यू एकदम ज़बरदस्त वाली आती। पर यार अभी ये बादल ऊपर ही आ गए, हम सोचे थे बादल हमारे नीचे होते हम ऊपर होते, पर यहाँ क्या बादल ऊपर ही आ गया। तो भाई नीचे गहराई दिखाऊं मैं तुम्हें, ये लो पत्थर गया नीचे और हम यहाँ पे चल रहे हैं। और नीचे पूरी गहराई गहराई बहुत ज़्यादा है पर धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ देख सो तो सब एक सेकेंड नहीं लगता, पूरा कवर हो जाता है और फिर कैब हो जाते हैं। तो इसका कोई वो भरोसा नहीं, कभी आ जाता कभी चला जाता है। गाइस ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर है, मैंने कई सारे ट्रैक करे, हर किसी का अपना ही अलग एडवेंचर था, फीलिंग थी करने की और इसको करने की अलग ही फीलिंग है। ये बेसिकली क्या, अगर बारिश के मौसम में आओगे तो भाई यही मिलता है, और अगर थोड़ा सा बारिश से पहले आ जाओ तो ये जब नीचे मिलेगा जब टॉप पे पहुँचने वाला ये नीचे मिलता है। तो अभी भाई सीरियसली बताओ बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, ये है कि और ऊपर जाके रह भी सकते हो, बहुत ही सस्ते सस्ते में टेंट वेंट है, रह सकते हो नीचे। गाड़ी कार बाइक जो भी आप ला रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हो नीचे पार्क कर दो या फिर और इधर आके रह लो, बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग है और भाई एक अलग लेवल का मज़ा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो और नीचे खाई बहुत ज़्यादा खाई है यार, देखो ये नीचे खाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिंदगी में इतने पैसे कमाओ कि ऐसी जगह पे ऐसे टाइप की कोठिया बना सको। बस फील्ड ये उधर ऊपर जाने का रास्ता देखो, आने के बाद यहाँ आने के बाद दो रास्ते हैं, एक पहले मिल जाता है एक आगे से इस साइड से। और यहाँ पे आपको सामने बिल्डिंग दिखेगी, बिल्डिंग दिखने के बाद अगर आपको सबसे टॉप पे जाना जो तो ये रहा रास्ता सामने, ये रास्ता सीधे आपको टॉप पे ले जाएगा। तो दो रास्ते याद रखना, एक फ्री एक पैसे दे के, और दोनों रास्तों से आप आ सकते हो यहाँ पर। उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रीमिंग है जो आपने देखा वीडियो में दिखाई दिया मैंने। और बस हमारी जर्नी यहाँ की समाप्त होती है, मिलते हैं फिर कभी और किसी और जगह पे किसी और वक्त में। तो फाइनली हमारी जर्नी ख़त्म हुई और बाइक यहीं पार्क पर